वैसे तो चलती फिरती बातों में कई स्टूडेंट्स ने बताए थे जो यहाँ बाहर से पढ़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आज मुझे खासतौर से इस दुकान पर पहुँचाया हरीश जी। बड़ा आपका नाम सुना था, इन्होंने उसे पुष्ट कर दिया। इन्होंने बताया कि आप MR भी हैं और बढ़िया सैलरी पर काम भी करते हैं, इसके बावजूद आप हाईली क्वालिफाइड होते हुए ये स्टॉल चलाते हैं। तो एक जिज्ञासा सी मन में उत्पन्न हुई तो मैं चला आया इस दुकान पर। जैसे कॉफ़ी हमने पी और उसकी मैं क्या तारीफ करूं, मैं यही कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया थी। मैं कई यूनिवर्सिटियों में रजिस्ट्रार रह चुका हूं, कई जगह एग्जाम कंट्रोलर भी रहा और कई पदों पर काम करता रहा। स्टूडेंट से ही मेरा पाला पड़ा, पढ़े लिखे लोगों से ही पढ़ा है जिंदगी भर। मैंने एक बात देखी है, ये मेरा मानना है या यूं कहिए कि ये मेरा पूर्ण विश्वास है, अकाट्य सत्य है कि एक ज्ञानी आदमी खाने बिना मर सकता है, लेकिन एक परिश्रमी आदमी कभी खाने बिना नहीं मरेगा। ये ध्रुव सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। कारण क्या है कि ज्ञान में या पढ़े लिखे लोगों के अंदर या ज्ञानियों के अंदर एक घमंड होता है, वो काम पर सोचने लगते हैं कि ये काम हमारे लायक है कि नहीं है, हमें इसे करना चाहिए कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये तमाम तरह की बातें। कुछ लोग कहेंगे इतना पढ़ लिख के और ये काम कर रहा है, ये तमाम तरह की जो बकवास वाली बातें हैं अपने ऊपर थोप लेते हैं और खुद ही अपने बंधन में बंध जाते हैं, वो आगे उठ नहीं पाते। लेकिन एक परिश्रमी आदमी परिश्रम करके जीवन भर प्रसन्न रहता है और किसी भी नौकरी से लाख गुना बढ़िया है अपना रोजगार करना। क्योंकि नौकरी में हमारी पत्नी अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि नौकरी के 9 काम 10वां काम हाजी, बास की हाजी में हाजी नहीं मिलाओगे तो गए काम से, और क्या। और नौकरी तो नौकरी है ही है, इसमें कुछ नहीं, आप अपने बादशाह हैं, आपका व्यवहार आपके सामने दुनिया भर के लोगों को स्वतः खींच लाएगा और आपका व्यवहार उन पर आपकी हुकूमत जमा देगा। लोग आपको पूछेंगे, लोगों का प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा। ये आप नहीं, मेहनत के साथ साथ आपका बर्ताव, आपका व्यवहार, आप जिस तरह मुस्कुराते हुए लोगों के सामने पेश आते हैं, आधे लोग तो उसी पर फिदा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें मिला के आपको परफेक्ट मैन बनाती हैं। और बस यही कहूँगा कि हर आदमी को आपसे ये सीखना चाहिए। धन्यवाद।